सागर में एक बार फिर बीजेपी विधायक के परिवार की दबंगाई देखने को मिली है। सुर्खी विधानसभा से विधायक पारुल साहू के देवर गोल्डी केशरवानी ने अपनी विधायक भाभी का रौब दिखाते हुए निर्माणाधीन मंदिर का काम रुकवा दिया। आपको बता दें कुछ महीने पहले सागर कबुल पुल स्थिति मां बीजासेन का मंदिर है जो लगभग 125 साल पुराना है। कुछ महीने पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखी मूर्तियां तोड़ दी थी। उसके बाद मंदिर का नवनिर्माण का कार्य प्रगति पर था। इस मंदिर का काम रुकवाने के लिए भाजपा विधायक पारुल साहू के देवर जो खुद सागर बीजेपी में अहम पद पर है मंदिर परिसर में चल रहे काम को रुकवाने के लिए अपने साथ 20-25 युवकों को लेकर पहुंची और काम कर रहे मजदूरों का काम करने को रोक दिया और मंदिर का काम रुकवाने का पता चला तो वार्डवासियों ने इसका विरोध किया और भाजपा विधायक के देवर गोल्डी केशरवानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 3 तारीख को जो मंदिर को टूट फूट हुए वो इसी गोल्डी केशरवानी ने करवाई है और इसी ने उसकी जमानत करवाई या किसने करवाई हमें पता नहीं। सी वगैरह कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ अपने पावर का उपयोग करके कैन थाने में संपर्क करके 1 मिनट में पुलिस आ गई, वो अपने पावर का उपयोग करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मुकुल शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकुल, पहले भी कई तरह के विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं और अब फिर लोग खुलकर सामने आ रहे हैं उनका विरोध करने। जी सलमान, आपको बता दें कि जो मंदिर बना हुआ है विधायक पायल साहब के जस्ट 50 मीटर आगे चल के ही मंदिर बना हुआ है और मंदिर का इतिहास बताएं तो कम से कम 125 साल पुराना मंदिर है। माँ बीजासेन का मंदिर है और हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा हमेशा रहती है। अभी विगत 2-3 महीना पहले ही इस मंदिर में कुछ शरारती तत्वों ने मूर्तियां तोड़ दी थी। इसको लेकर बाड़वासियों मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे थे। जब कल निर्माण का कार्य चल रहा था तो भाजपा विधायक पारुल साहू के विधायक के देवर हैं गोल्डी के करवानी, वो कुछ 25-30 लड़कों को लेकर पहुंचे और वहां काम कर रहे युवकों को डरा के धमका के भगा दिया और उसका पूरा साथ दिया है कैंट थाने की पुलिस ने। सिर्फ 2 मिनट में इनके कहने पर पूरी पुलिस आ गई और पुलिस की दबंग आई और इनकी विधायक के देवा जी होने की दबंग आई का मृत्यु डर के मारे भाग गए। जब पूरे घटनाक्रम को क्षेत्रवासियों को पता चला तो उनको उनका विरोध किया और विरोध को पूरे क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर कैंट थाने का घेराव किया। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत की बू आ रही सलमान जी। मुकुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मंदिर का काम रुकवाया गया है, अब जो लोग हैं वो नाराज होंगे, तो फिलहाल क्या कोई आश्वासन मिला है या कोई कार्रवाई की बात कही गई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस तो कहीं ना कहीं अब बचाने का कोशिश कर रही है, तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया? जी, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया है तो उनका साफ कहना था कि ये पूरा काम एटीएम साहब के अंडर में है और दोनों पक्षों के कागज देख के जो भी उचित न्यायालय जो भी उचित फैसला होगा उस पर निर्णय होगा। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात यह सलमान की जो ही विधायक के दीवारें गोल्डी केसरवानी एक अच्छी खासी शख्सियत है और अच्छी खासी पहुंच रखते हैं और थोड़े से जमीन के टुकड़े को लेके अपने लालच दिखा रहे हैं जिससे वहाँ के बाड़वासी विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाड़वासियों को पूरा शक है कि शायद ही हम लोग के पक्ष में आएगा, जबकि 125 साल पुराने इनके पास पूरे कागजात हैं, जब से जमीन है जब से मंदिर का निर्माण हुआ सब पुराने कागजात हैं। मुकुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, राकेश चौबीस जुड़ गए हैं, वार्डवासी हैं। चौबीस जी, स्वागत है आपका। जी जी। चौबीस जी, आपसे जानना चाहूंगा, विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं जो उनके देवर हैं वो धमका रहे हैं लोगों को और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, आप स्थानीय निवासी हैं, आपको क्या कुछ जानकारी इस पर? हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं कि वो विधायक पारुल साहू के जो देवर है ना वो आके धमकी दे रहे थे और लेबर जो काम कर रही थी उनको धमका के कि भागो यहाँ से, ये मंदिर की जगह हमने खरीद ली है और इस बीच में वाद विवाद हुआ, उसके बाद तुरंत पुलिस थाने से पुलिस आ गई और पुलिस ने भी उनका सहयोग किया और बोलने लगे कि यह काम बंद करो, कागज दिखाओ। तो अपन हम लोगों ने पूछा कि इनके पास क्या है, क्या प्रूफ है कि खरीदे या क्या कोई स्टे वगैरह लेके आया, अकेले नहीं, वो सब थाने में जमा है सीआई साहब के पास, वहाँ आके देख लो। इसके बाद वो गोल्डी वहाँ से चले गए, हम लोग सब क्षेत्रवादी सब इकट्ठे हुए और वहाँ से फिर हम लोग थाने गए तो थाने में टीआई साहब मिले नहीं, एसआई मैडम थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कोई कागज वगैरह नहीं आए हैं। तो हमने कहा वहाँ तो आपने थाने से फोर्स भी भेजी थी, तो कहने नहीं कोई फोर्स नहीं भेजी, हमने आपके थाने से 4-5 सैनिक थे वहाँ पर जो मना कर रहे थे काम करने के लिए,
और चले नहीं नहीं हम लोगों ने कुछ कोई कोर्स वगैरह नहीं भेजी, आप अपने ऐसा वक्त काम रख लीजिए जी। और ये बात पसंद है कि हम लोगों हम वापस आ गए और अपना जीवदार जो मंदिर का चल रहा था वो उसमें काम जारी था है ना। और ये मंदिर तो काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया फिर से दोबारा से। हाँ काम शुरू हो गया था और काम शुरू हुआ वो धमकी दे के गया कि कल हम काम बंद करा के काम जैसा पड़वा देंगे। लेकिन राकेश जी, लेकिन राकेश जी जो पुलिसकर्मी जो चार पहुंचे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको पैसा खिला दिया हो, टीआई साहब को पता ही नहीं हो कि कौन कहाँ जा रहा है? हो सकता है जब वो थाने में उनको जानकारी नहीं है एसआई मैडम को कि हमारे यहाँ कोई सूचना आई है हमने फोर्स भेजी, उन थाने में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस डायरेक्ट सैनिक जो थे वो अपने सीधे आ गए थे, उनके पीछे ही पीछे आ गए थे गुल्ली के सरवानी के जस्ट पीछे ही आ गए थे। आपने थाना प्रभारी को बताया कि कौन कौन से पुलिसकर्मी मंदिर का काम रुकवाने पहुंचे थे, उनको जानकारी दी? बताया तो वो थाना प्रभारी थाने में नहीं उपलब्ध थे, उस जगह पर एसआई मैडम बात कर रही थी तो वो कह रहे नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है ना हमने यहाँ फोर्स भेजी है। चलिए काम शुरू हो गया ना मंदिर का? हाँ काम तो मतलब जो चल रहा था मंत्रियों का वो चल रहा था, अब हाथ तो क्या बंद है। अभी वो धमकी दे के गया था कि हम लेके आएंगे और गुंडे वगैरह और काम रुकवा देंगे। सुरक्षा चाह रहे हैं आप? अब ये चाह रहे हैं प्रशासन मदद करें और कागज वगैरह देखे हो अब। और आपके पास पूरे कागजात हैं? हाँ मंदिर 125 साल पुराना है, मेरी परिवार की जमीन है ये है ना, वो ये पुस्तैनी मंदिर है वो सब धार्मिक नवरात्रि में बहुत अच्छा मेला वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है राकेश जी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागजात हैं पुराने? हाँ मंदिर के कागज हैं वहाँ पर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।